ओम शांति। 14 अगस्त 2023 प्रातः मुरली, बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मीठे बच्चे, कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखते हुए कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना। दे दान तो छूटे ग्रहण, बाबा समझाते मीठे बच्चे, कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखते हुए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना। दे दान तो छूटे ग्रहण। प्रश्न किया बाबा ने, प्रश्न में बाबा कहते किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले बच्चे भविष्य में तख्त नसीन बनते हैं। किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले बच्चे भविष्य में तख्त नसीन बनते हैं। उत्तर में बाबा समझाते जैसे ब्रह्मा बाप देह सहित पूरा बलि चढ़े, अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया, डायरेक्ट इंश्योर किया, इसलिए विश्व की राजाई मिली। ऐसे ही फॉलो फादर, सपूत बनने का सर्टिफिकेट लेना है। सगे बन तन मन धन से सेवा करनी है, बाप का पूरा मददगार बनना है, सब कुछ इंश्योर कर 21 जन्मों की राजाई का हकदार बन सकते हो। गीत सुनाया बाबा ने, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते पहली पॉइंट, ईश्वरीय जन्म ले, कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है, सपूत बच्चा बनना है, अवगुण निकाल देवताई गुण धारण करने हैं। ईश्वरीय जन्म ले, कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है, सपूत बच्चा बनना है, अवगुण निकाल देवताई गुण धारण करने हैं। दूसरी पॉइंट बाबा कहते खुदाई खिदमतगार बन, रूहानी सेवा से सबको आप समान बनाना है। तीन पैर पृथ्वी लेकर रूहानी हॉस्पिटल व कॉलेज खोल देना है, तन मन धन से पूरा मददगार बनना है। खुदाई खिदमतगार बन, रूहानी सेवा से सबको आप समान बनाना है। तीन पैर पृथ्वी के लेकर रूहानी हॉस्पिटल व कॉलेज खोल देना है, तन मन धन से पूरा मददगार बनना है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा कहते कर्म योगी बन, हर कार्य को कुशलता और सफलता पूर्वक करने वाले चिंता मुक्त भाव। आज बाबा हम बच्चों को चिंता मुक्त भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते कर्म योगी बन, हर कर्म को कुशलता और सफलता पूर्वक करने वाले चिंता मुक्त भाव। डिटेल में बाबा समझाते कई बच्चों को कमाने की, परिवार को पालने की चिंता रहती है, लेकिन चिंता वाला कभी कमाई में सफल नहीं हो सकता। चिंता को छोड़कर कर्म योगी बन काम करो, तो जहां योग है वहां कोई भी कार्य कुशलता और सफलता पूर्वक संपन्न होगा। अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा भी तो चिंता ही पैदा करेगा। और योग युक्त बन, खुशी खुशी से कमाया हुआ पैसा खुशी दिलाएगा, क्योंकि जैसा बीज होगा
वैसा ही फल निकलेगा। स्लोगन में बाबा कहते सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले, होली हंस बनो, कंकड़ पत्थर लेने वाले नहीं। सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले, होली हंस बनो, कंकड़ पत्थर लेने वाले नहीं। तो आज बाबा ने विशेष हम बच्चों को अटेंशन खिंचवाया कि ईश्वर का बनकर इन कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। कर्म अकर्म विकर्म की जो बाबा ने हम भाई बहनों को गुह्य गति समझाई, उस बात को ध्यान में रखते हुए हर कर्म करना है। जिस प्रकार बाबा कहते संकल्प करते भी सोचो कि संकल्प ब्रह्मा बाप समान है, बोल बोलते बोल को भी चेक करो कि ब्रह्मा बाप समान है। कर्म में आते संबंध संपर्क में आते सदा स्मृति रखो कि बाबा की श्रीमत अनुसार कर्म कर रहे हैं। संबंध संपर्क में आते इस बात की स्मृति हो कि किसी को मेरे द्वारा दुख तो नहीं हो रहा। इसीलिए बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। दान देने की विशेष बाबा हम बच्चों को विधि बताते, अपने पास जो भी किचड़ा है, पुराना ककपन है, वो सब बाबा को दे दो। सारे जो बोझे सर पर लेकर घूमते हो, उस बोझ को बाबा को दे दो और खुद हल्के होकर फरिश्ते बनकर बेफिक्र बादशाह बनकर उड़ते रहो, तीव्र पुरुषार्थ करते रहो, जैसा ब्रह्मा बाप ने किया। ब्रह्मा बाप को बाबा आज फॉलो करने की विशेष युक्ति बताते कि जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा ने देह सहित स्वयं को पूरा बलि चढ़ा दिया, अर्थात तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ यज्ञ की सेवा में अर्पण कर दिया, तो ऐसे ही बाबा कहते फॉलो फादर। झाटकू बनकर ब्रह्मा बाप ने आगे पीछे का सोचे बिना एक बाबा पर निश्चय बुद्धि होकर अपना सब कुछ बाबा पर न्योछावर कर दिया। इसीलिए बाबा से बदले में 21 जन्मों के लिए राजाई मिल गई। बाबा आज विशेष हम बच्चों को चिंता मुक्त भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान को स्वरूप में लाने की विशेष युक्ति भी बाबा बता रहे हैं कि कोई भी जिम्मेवारी अपने सर पर नहीं लो। जब तुम जिम्मेवारी ले लेते हो, गृहस्थी बन जाते हो, तो बोझ तले दब जाते हो। चिंता कभी भी हमें सफल नहीं होने देती, कमाई नहीं करने देती, निश्चिंत नहीं रहने देती, बेफिक्र नहीं रहने देती। इसलिए बाबा कहते अपनी सारी चिंताएं बाबा को अर्पण कर दो। कोई भी कर्म करते हो तो कर्म योगी होकर कर्म करो, क्योंकि बाबा की याद में रहकर कोई कर्म करेंगे, बाबा की श्रीमत अनुसार कोई कर्म करेंगे तो सारी जिम्मेवारी बाबा अपने ऊपर ले लेते हैं और हम निश्चिंत निर्भय होकर कर्म खुशी खुशी करते हैं। और खुशी खुशी से कर्म करने से ही बाबा कहते पैसे की कमाई भी होगी, सफलता भी प्राप्त होगी और खुशी का बीज जब हम बोएंगे तो उससे खुशी ही प्राप्त होगी। स्लोगन में बाबा ने विशेष अटेंशन खिंचवाया कि होली हंस बच्चे जो होते हैं वे गुण रूपी मोती ग्रहण करते हैं, कंकड़ पत्थर नहीं करते। जिस प्रकार बाबा हमें होली हंस कहते, हंस को हम देखते हैं पानी और कंकड़ छोड़कर दूध और मोती चुग लेता है, ऐसे ही हंस समान दिखने वाला बगुला कीट खाता है, गंदगी
खाता है। ऐसे ही बाबा कहते तुम बच्चे भी इस कलयुगी दलदल में हो, जहां पर तुम बच्चों को होली हंस बनकर रहना है, बगुलों की दुनिया में गुणग्राही बनकर रहना है। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य से। ऐसे विशेष महावाक्य जो हम बच्चों को धारण करने की बाबा श्रीमत देते हैं। अच्छा, ओम शांति।